क्वेश्चन नंबर 10, हमें ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है इसका। इसे लेट कर लो, कुछ y लेट कर लेते हैं, तो हमें ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स को डिफरेंशिएट करने पे कॉस एक्स मिलता है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे कॉस लॉग एक्स मिल जाएगा। उसके बाद हम लॉग एक्स को करेंगे डिफरेंशिएट, तो वन अपॉन एक्स मिलता है लॉग एक्स को करने पे, तो ये मिल गया हमें डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, वापस से इसे डिफरेंशिएट करना है क्योंकि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है इसलिए, तो वापस से बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है। तो डी अपॉन डी एक्स अब हमारे पास क्या है, कॉस लॉग एक्स और डिवाइड में क्या है एक्स है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना होगा, यू अपॉन वी रूल यूज़ करना होगा, यू डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन में वी स्क्वायर, तो यूज़ कर लो इसे। यू डैश यू हमारा ऊपर वाला है, कॉस लॉग एक्स करो डिफरेंशिएट तो हमें मिलेगा माइनस साइन लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स करो तो इनटू में वन अपॉन में एक्स मिल जाएगा। यू डैश हो चुका है, इनटू वी करना है, वी हमारा एक्स है, ऊपर वाला हमारा यू है, ठीक है, नीचे वाला क्या है वी है, तो इनटू वी करना है तो इनटू एक्स कर दिया हमने, माइनस है तो माइनस वी डैश, वी डैश तो वी क्या हमारा एक्स है, इसको डिफरेंशिएट करो तो वन आएगा, इनटू में यू, यू हमारा जो ऊपर साइड है वो हमारा यू है, तो वन इंटू में कॉस लॉग एक्स, ठीक है। और डिवाइड में क्या है वी स्क्वायर, मतलब एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ चुका है। बस इसको थोड़ा देखने में अच्छा बना लो, सिंप्लीफाई कर लो, एक्स एक्स कैंसिल हो गया तो क्या आ गया हमारे पास, माइनस साइन लॉग एक्स माइनस कॉस लॉग एक्स और डिवाइड में है एक्स स्क्वायर, आप चाहो तो माइनस कॉमन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ओके।